हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है, कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ओरेकल कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं और टैरो में से हम देखेंगे 5 कार्ड। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। पहला ही कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो जिनसे भी ये बात करते हैं वो उन्हें यही बताते हैं कि आप दोनों भी एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते रहते हैं। यानी कि जैसे आपके पर्सन के, जैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, गोल 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 गोल, कोई नहीं गिन सकता कि कितनी सीढ़ियाँ हैं। वैसे ही काफी सारे थॉट्स उनके भी दिमाग में होते हैं आपके लिए, और आपके दिल में भी और दिमाग में उनके थॉट्स होते हैं। तो ये पर्सन जो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो यही बताते हैं कि हम दोनों भी एक दूसरे के बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं और ये एनर्जी वो महसूस करते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये लड़की उछल रही है या अपनी धुन में है, वैसे ही शायद आपके पर्सन को आपका जो नेचर है, यानी कि थोड़े से आप अपनी धुन में रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, जो मन में आया वो किया, ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये जो वैंड है वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, और पेज की एनर्जी रिप्रेजेंट करती चाइल्डिशनेस को। तो इमैच्योर एनर्जी भी है, और जैसे एक बच्चे के जैसा इसको ये फिक्र नहीं है कि कोई इसको ऐसा देख के क्या जजमेंट पास करेगा, ये अपनी धुन में है। वैसे ही आपके पर्सन को आप अपने ही ख्यालों में, मतलब अपने ही जो छोटी सी दुनिया में जिस तरह से मन कर रहा है उस तरह से शायद बिहेव करने वाले पर्सन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जो इनोसेंस है वो इस पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब जैसे एक छोटे बच्चे को होता है कि उसको अगर कुछ एक्शन लेनी है, मान लीजिए खेलने को जाना है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि घर में मेहमान आए हैं बाकी लोग क्या कहेंगे, उसको जाना है तो जाना है। वैसे ही ये जो लड़की है, इसने जो उछल, ये जो स्टिक है वो हवा में उछाली है, ये रिप्रेजेंट करती है कि वो कितनी एक्शन लेने को बेकरार है। तो वैसे ही आपके पर्सन को आपकी ये जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पसंद है। फिर है द स्टार, तो या तो आपका या उनका साइन हो सकता है एक्वेरियस। तो ये विश कार्ड है, तो वो दिल से शायद आपको मांगते रहते हैं, और उन्हें भी पता है कि आप भी उसी तरह से उनको मैनिफेस्ट करते होंगे। मतलब ये यूनिवर्सल कनेक्शन आप दोनों भी फील करते रहते हैं एक दूसरे के लिए। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, ये भी विश कार्ड ही होता है। तो जैसे यहाँ पे हर एक बाउल में एक एक विश है, और यहाँ जो गोल्ड का बक्सा है उसको छोड़ के ये पर्सन अपने विश की तरफ जाना चाहता है, यानी कि जो मन करे वो पूरा करना चाहता है। वैसे ही उन्हें लगता है कि आप भी ऐसे ही पर्सन है। मतलब किसी के सामने अगर ऐसा किसी ने गोल्ड रख दिया और दूसरी तरफ बोला कि या तो तुम्हारे दिल की विशेष पूरी होगी या फिर तुम्हें ये सब मिलेगा, तो शायद आप भी ऐसे पर्सन है जो अपने दिल की मर्जी के मुताबिक अपने विश को चूज करना पसंद करेंगे, और यही बात उन्हें खास लगती है। मतलब उन्हें भी पता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारे इमोशंस है, क्योंकि यू ऑल्सो लव हिम और लव हर सो मच। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं तो इस एनर्जी में आप दोनों भी फील करते हैं एक दूसरे को, यानी कि आपको भी लोनलीनेस फील होता है और इस पर्सन को भी। तो जैसे ये उदास है, ये राह देख रही है, वैसे ही शायद आप भी उनका इंतजार करते हैं और ये पर्सन भी आपसे मिलने का इंतजार करते रहते हैं। मतलब वो यही बताते हैं शायद कि हम दोनों भी एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स ही रखते हैं, सोचते भी बहुत ज्यादा है, एक दूसरे को मिस भी करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी में अपने दिल के सुनना चाहते हैं, जो हमारा दिल कहे वही करना चाहते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। गिल्टी, थोड़ा सा शायद किसी बात को लेके ये पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं, और उस बात को लेके शायद ये अपने दोस्तों से या फिर जिससे भी बात करते हैं उससे कहते रहते हैं। मतलब शायद कोई बात है जो थोड़ी सी उन्हें खटक रही है। ट्रिगर, तो जब भी शायद उन्हें आपकी याद आती है या आपको भी उनकी याद आती है तो आप दोनों भी ट्रिगर्ड फील करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लड़की पल भर में अगर मान लीजिए यहाँ पे खुश थी, लेकिन उसको अगर याद आ गई तो ये ट्रिगर होने की वजह से ऑटोमेटिकली सैडनेस में पहुंच गई। वैसा ही ये ट्रिगर आप दोनों
फील करते हैं, वरी। आप दोनों को भी एक दूसरे की फिक्र है, यानी कि आप एक दूसरे से बात हो ना हो, कांटेक्ट में हो ना हो, फिर भी उन्हें पता है कि आपको भी उनकी फिक्र है और ये पर्सन भी आपकी फिक्र करते रहते हैं। योर स्टोरीज, तो ये अपने दोस्तों को आप दोनों की स्टोरीज बताते रहते हैं, यानी कि किस तरह से आप दोनों मिले, आप दोनों ने क्या सोचा है, कुछ स्पेशल दिन अगर आप दोनों ने सेलिब्रेट किया है तो वो कैसा था, या फिर छोटे छोटे मोमेंट्स जिसमें इन्होंने काफी कुछ आपके लिए फील किया, वो भी बातें ये बताते रहते हैं। परफेक्ट टाइम, तो शायद आप भी और ये पर्सन भी परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। जैसे किसी को मान लीजिए कि सुबह सुबह की कल की राह देख रहा है कोई कि कब सूरज उग जाए और मेरा वो दिन स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सूरज हमारी मर्जी से तो आने वाला नहीं है। वैसे ही शायद परफेक्ट टाइमिंग को लेके आप दोनों भी एक दूसरे से दूर हैं और इस परफेक्ट टाइमिंग का आप दोनों भी इंतजार कर रहे हैं। कन्फ्यूजन, तो राइट नाउ थोड़े से कन्फ्यूजन की एनर्जी में भी आपके पर्सन है, मतलब उन्हें शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मिस तो काफी कर रहे हैं आपको, प्यार भी करते हैं, फिर करे क्या। कम्युनिकेट, तो शायद इन्हें आपसे बात करना बहुत पसंद है और शायद इन्हें आपकी बातें सुनना भी बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब आप दोनों में एक अच्छा कम्युनिकेशन हमेशा होता रहता है, जिसकी वजह से शायद उन्हें भी पता चलता है कि आप भी उनके बारे में सोचते हैं या सोचती है। इंसोमनिया, तो ये पर्सन इंसोमनिया का कार्ड यही बता रहा है कि रात को सो नहीं पाते, और ये क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ये काफी ज्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी भी हालत ऐसी है, यानी कि आप भी ठीक से ना सो पा रहे हैं ना कुछ खा पा रहे हैं। या क्यों हो रहा है, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, तो उन्हें भी पता है कि आप भी इसी एनर्जी में। थॉट, तो जब भी आप के मन में इनका ख्याल आता है तो शायद आप उन तक रीच आउट होने की कोशिश करते रहते हैं, जस्ट आई एम थिंकिंग अबाउट यू या फिर आई मिस यू, इस तरह का शायद आपका कुछ मैसेज रहता होगा। तो इस वजह से इस पर्सन को भी, मतलब आपके पर्सन को पता है कि आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं उनमें ये पर्सन ही शामिल है और कोई नहीं है। सीक्रेट्स, तो शायद हमेशा आपने अपने दिल के कई सारे सीक्रेट्स इस पर्सन के साथ शेयर की है, जिसकी वजह से ये समझते हैं कि आप उनके ऊपर कितना भरोसा करती है, और इसी तरह से शायद ये पर्सन भी अपने कई सारे सीक्रेट्स आपसे शेयर करना चाहते हैं। डिसेप्शन, तो उन्हें पता है कि आप जिंदगी में कभी उन्हें धोखा देने वाले पर्सन में से नहीं हैं, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए अगर आप अपने सभी सीक्रेट्स उनसे शेयर करते हैं तो ये धोखा मिलना तो उन्हें पॉसिबल भी नहीं है, इस तरह का भरोसा वो आपके ऊपर करते हैं। और फाइनल कार्ड है इमोशनल, तो उन्हें भी पता है कि जिस तरह से वो आपके बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वैसे ही आप भी काफी इमोशनल हैं जब बात आपके पर्सन की होती है। तो ये जो जज्बात है ये दोनों तरफ से है, यानी कि आपको भी पता है कि आपके पर्सन भी आपके बारे में काफी सोचते रहते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, और उसी तरह से आपके पर्सन को भी पता है कि आपके दिलो दिमाग में भी वही रहते हैं और आप भी उनके लिए उतना ही सोचते हैं दिल से। तो शायद इसी बात को लेके काफी कुछ बातें और भी वो शेयर करते होंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जनरल रीडिंग है। टिल देन टेक केयर।